खत्म हो जाता था तो घर वाला चार को बात सुनाता था, 2 दिन पहले इसको पेंसिल दिलवाए हैं, खत्म कर दिया। सीबीएसई वाला इतिहास गवाह है, तनी मॉडर्न होता है सब। और पिछवा एगो रबड़ लगल रहता था, मिटा देता था। हम लोग देखते थे, ओ माई गॉड, जो इसका दूसरा पेंसिल है, कुछ कुछ बुरा मान जाता है सब। हम क्या बोले, हम कुछ कुछ के चक्कर में हम कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने राम जी से सीखा है, कुछ कुछ के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। आराम से क्या हो सकता है, टूट सकता है, ग्रेफाइट आराम से टूट जाता है। बचपन में हम लोग जब पेंसिल से लिखा करते थे, तो जब पेंसिल हम लोग के घर वाले जो देते थे ना, तो पेंसिल को इसे बिचुआ में से काट के देते थे, काट के और जल्दी खत्म हो जाता था तो घर वाला चार को बात सुनाता था, 2 दिन तो पहले इसको पेंसिल दिलवाए हैं, खत्म कर दिया। तो हम लोग ऐसे पेंसिल को लेते थे, उसको छीलते थे लोग, तो कहते थे शेर दो पेंसिल को। और जो सीबीएसई वाले लड़के थे सर, सीबीएसई वाला इतिहास गवाह है, इतनी मॉडर्न होता है सर। सीबीएसई वाले थे सर, तो पेंसिलवा जानते कैसा लेता था सर, और कि अगवा से नोकिया निकल जाता था, पेंसिल उसका खत्म हो गया तो छीलेगा नहीं, अगवा से नोकिया निकाल देता था, पीछवा पहुंच के भर देता था, खत्म हुआ को भर दिया। ओके पिछवा एगो रबड़ लगल रहता था, मिटा देता था। हम लोग देखते थे, ओ माय गॉड, दूसरा पेंसिल है ये, जादू होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है ग्रेफाइट। और हीरा क्या होता है भैया, कठोर होता है। नकली हीरा किसे कहते हैं, कार्बोरेंडम को, SiC, कार्बोरेंडम, SiC, कार्बोरेंडर को, कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है, नकली हीरा को कहा जाता है। यानी जो शीशा काटने के लिए जो हीरे रखे जाते थे, कारीगर लेके भाग जाता था, इसलिए अब क्या करते हैं, नकली हीरा रखते हैं, कार्बोरेंडम। एक ही पदार्थ के कई रूप होते हैं, उन्हें एलोट्रॉप या अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप। अपरूप को ही हम कहते हैं अवतार। जैसे विष्णु भगवान के ही अवतार थे कृष्ण जी, विष्णु भगवान के ही अवतार थे आपके राम जी, समझ में गया। लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत का अंतर था, बहुत का अंतर था। इसीलिए कृष्ण भगवान को कोई कभी भी आप नहीं सुने होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। तनी वो हर रंग दिखा दिए अपना, बदमाशी से लेके छल कपट से लेके हर चीज़। अरे कम कम छल कपट हुआ है महाभारत में, जानबूझ के सूरज डुबा देना, बादल में छुपा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, रथ का पहिया घिंचवा देना, द्रोणाचार्य को युद्ध से हटवा देना, ये सब छले कपट तो था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। राम जी ने कभी कोई छल कपट नहीं किया। अरे राम जी तो भाई इतने सीधे थे, इतने सीधे थे कि 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए हाँ कह दिया, और जगत जननी माँ सीता को कह दिया कि आप अग्नि परीक्षा पर बढ़िए। वरना राम जी को विश्वास था, सबको विश्वास था कि लंका में रावण ने सीता माँ को छुआ तक नहीं, और ये भी श्राप भी था कि अगर रावण को लंका, रावण अगर सीता को गलत नजर से टच करता तो भस्म हो जाता। लेकिन 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी को मजबूर होकर अग्नि परीक्षा पे बैठा दिया। नतीजा क्या हुआ, 2 बच्चों को छोड़कर पृथ्वी में समाधि ले ली, और वहीं से पूरा वंश सरयू नदी में समा गया। तो 2 कौड़ी के लोगों को कभी खुश करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं खुश कर पाए ये 2 टके के लोगों को। इसलिए 2 कौड़ी के लोगों के लिए आप अपने भविष्य, आप अपने आप को कभी भी साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ में आ गया। धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म ये सिखाता है कि देखो हम लोगों पर भी अत्याचार हुआ है, भगवान पर भी उंगलियां उठाई गई हैं, लेकिन 2 कौड़ी के लोगों के लिए आप अगर ऐसा करेंगे तो देखिए भगवान तक को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो वही उसी को क्या कहते हैं, अपरूप कहा जाता है। तो विष्णु भगवान के लोग अपरूप थे। अब एक होता है समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता या आइसोमेरिज्म, समझता है सब कि नहीं जी, रामायण वगैरह नहीं समझे आप लोग, आप लोग रामायण नहीं पढ़े हैं। हम लोग तो हरि कीर्तन वगैरह में सब गए हैं लोग, जागरण में 2-2 दिन तक पैसों मिलता था। हम लोग बचपन में हम लोग जागरण में गए हैं। चाहे आप बुद्ध धर्म के बारे में पूछिए, महाभारत हो जाए, रामायण हो गए, बुद्ध चरित हो गए, या रश्मि रथी हो गया, बड़ी बड़ी हम लोग कांड किए लोग यार। आजकल के लड़का को सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोग सिलेबस के बाद उर्दू पढ़ते थे, अरबी पढ़ते थे, संस्कृत, ड्राइंग, रामायण, हरि कीर्तन, भजन वगैरह सब याद रखना। बचपन में भजन बड़ी, कौन भजन होता था सुबह सुबह बजता था, ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम् मृत्योर्मोक्षमात्रिताम्। सोचा बचपन में ही सब हम लोग सीखे हैं लोग। अब सोचा केमिस्ट्री पढ़ो, इसमें से इसका दूसरे दुनिया है, ग्रेफाइट, हीरा, SiC, इसमें कुछ है ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया था, ये अलग ही दुनिया है, क्या कहेंगे यार। महाभारत पूरा जानते हैं,
हम ये बात चैलेंज लगा के रख सकते हैं कि महाभारत का हम एक एक चीज जानते हैं, मैं भी एक एक चीज। एक-एक हाँ, चीज। हाँ लेकिन हाँ कुछ उतना, पता जैसे एक नहीं, तो होता है ना कि अब शायद एकदम लगी खोखोर के होगी। निकालिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, लेकिन ए टू जेड महाभारत जानते हैं, चाहे रामायण मैं हो भी गया महाभारत हो, ऐसे बता रहा रामायण हूँ। का चल मेरे छोड़ो को यार उतना वो सब, नाम पता, लेकिन तू महाभारत लोग कुछ जानता कुछ बुरा मान जाता है सब। हम क्या बोले, हम कुछ कुछ के चक्कर में हम कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने राम जी से सीखा है। कुछ कुछ के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। आगे बढ़े। सिद्धार्थ शर्मा क्या बोल रहे हैं जी, रामायण और महाभारत का बैच स्टार्ट कर दे, कब टाइम मिलेगा तो बता देंगे। 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा में बढ़िया से कहानी कह दीजिएगा तो महाभारत और रामायण खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टेड है, हम लोग को मिश्रा सर पढ़ाया करते थे, पंडित जी थे, खूब अच्छा से आके इसे हाथ रख देंगे, खूब पढ़ाते थे ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे ई समझिए। जो है वो रूल कह रहे हैं, मुझे नहीं लगे भी 8-9 साल हुए मैंने आए हुए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।